इतनी मौतें हुई घर में, मैंने कभी परवाह नहीं करी। बेटा गया, बहू गई, मेरे घरवाली गई, बेटी गई, हैं, ये पांचवी मौत है। पांचवी मौत ने मैं हिला दिया, चार मौतों ने मैं हिला नहीं था, साफ बात होता हूँ। चार मौतों में सोच ये सोच के भी चलो परमात्मा जो कर रहा ठीक कर रहा, लेकिन बच्चे मैं पाल लूँगा। लेकिन अब मैं सारा हिल गया, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है, मेरा शरीर भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी पास से कोई नौकरी कर लूँ, किसी पास जाके काम कर लूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम की बैठक में दलालों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। विधायक ने कहा निगम से आ चुके हैं तंग। वहीं बैठक के बीच से रवाना हुए नगर निगम कमिश्नर। साई बाबा चौक पर पड़ोसन से मिलने जा रही बुजुर्ग महिला से बाइक सवार ने झपटी। कानों की बालियां, पुलिस ने काफी देर बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। थाना सेक्टर 29 पुलिस ने साइकिल चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी की हुई साइकिल को भी किया गया बरामद। आरोपी को लिया गया रिमांड पर। थाना शहर पुलिस ने घर में चोरी करने वाले आरोपी को किया काबू। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। थाना 13-17 पुलिस ने लोक सेवक से मारपीट करने के आरोप में आरोपी को किया गिरफ्तार। वधावाराम कॉलोनी के पास छोटे भाई के साथ साइकिल पर घूम रही बच्ची को बेसहारा गोवंश ने मारी टक्कर। घटना में बच्ची का फटा सिर। परेशान लोगों ने तुरंत नगर निगम का किया घेराव तो अधिकारियों ने दिया आश्वासन। डाबर कॉलोनी में श्रमिक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर दी जान। हत्या के आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने लिया रिमांड पर। थाना सलोनी पुलिस ने घर में गैस का सिलेंडर चोरी करने के आरोपी को किया काबू। पकड़े गए आरोपी से बरामद किया गया चोरीशुदा सिलेंडर। एंटी नार्कोटिक सेल ने गश्त व चेकिंग के दौरान एक युवक को 4 किलो 600 ग्राम गांजा सहित किया गिरफ्तार। आरोपी को लिया गया रिमांड पर। लालबत्ती चौक के पास चैन स्नैचिंग की कोशिश में असफल हुए युवक ने कुछ दूरी पर युवती का फोन झपटा तो राहगीरों ने पकड़ कर की धुनाई। सनोली रोड चौक वेलफेयर एसोसिएशन की हुई मीटिंग। मीटिंग में नगर निगम द्वारा दुकानदारों के चालान काटे जाने पर जताया रोष। थाना इसराना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। पानीपत का नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।